हाल ब्रीफ करो जी। 2007 से इसका काम लगे है। आज 9 में जो कंप्लीट होना है। 13 साल गुजर गए। 13 साल में जो स्कूल जड़ा है ये हालत है। हूँ पिछले महीने इतने कमरे बच्चों सप निकले, बच्चों की क्लास बच्चों सप निकले। हूँ ये हालत है, मतलब बच्चों की क्या तलीम हो सी। अज 13 साल तो एक नस्ल जी मतलब पहली क्लास तो कहने के सैकंड ईयर तक चले गए हैं। इस स्कूल में इस हालत में पढ़ के गए। बकौल अजीत साहब दे 2007 काम शुरू होया, इसे डी मार्च किया गया। नौ में मुकम्मल होना, उस तो बाद नौ में मुकम्मल होना है। तो उस तो बाद इस तरह है कि सर्दियों में चो कई लोग नमूनिया ना, कई बच्चे नमूनिया ना मुतासर हो, और एक बच्चा जरा गल टोकता नमूनिया ना इतने ही फौत भी हो गए। बड़े अफसोस की गल है कि बिल्कुल महकमे कोई तवज्जो नहीं दी थी, और इसकी शक्ल भी देख के स्कूल की शक्ल भी देख के नो कि स्कूल किस तरह गुजारा पा कर दे। अफसोस है भी कि हुकूमत का चाहिए जिस तरह मातीर मामू ने सारा जो अपना फोकस लैवे वो इस उत्ते स्कूलों के लाया, तो उस बेहतरीन रिजल्ट आया। तो साड़ी तवज्जो ही नहीं स्कूलों की तरफ, साड़ी तवज्जो है प्राइवेट स्कूल परवान चलो, और गौरमेंट स्कूल जो जो नुकसान में जाओ। और हमेशा देखो गौरमेंट स्कूलों का रिजल्ट क्यों कमजोर आया, साड़िया अपनी गलतियां कुतियां। सब तो ज्यादा रकबा इस स्कूल का इस कमजोर ने दिता है। 30 कनाल के रकबे में यह स्कूल, 30 कनाल जमीन की इसलिए इतनी कीमत कम अज कम भी 30 करोड़ के बही है। इतना से इस बिल्डिंग का खर्चा नहीं जितनी दी जमीन है। ये बड़ा क्या है ना, जमीन कम्युनिटी देती है, गवर्नमेंट ने इसके क्या खर्चा किया माशाल्लाह। कई बार इस